बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज फ्लो चार्ट बेस्ड रिवीजन ऑफ कोलिनोमिमेटिक्स। तो आज के इस वीडियो में हम कोलिनोमिमेटिक्स को तैयार करने वाले हैं। कोलिनोमिमेटिक्स नाम से लग रहा है कि ऐसी ड्रग्स होती है जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर को स्टिमुलेट करती है। तो कोलिनोमिमेटिक्स को सही तरह समझने से पहले आपको कोलिनर्जिक रिसेप्टर का भी पता होना चाहिए कि कोलिनर्जिक रिसेप्टर कौन कौन से होते हैं। आपको पता है कि जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर है वो दो टाइप के होते हैं, मस्क्रीनिक होते हैं और निकोटिनिक होते हैं। जो मस्क्रीनिक होते हैं वो आगे मजीद तीन कैटेगरी के होते हैं, M1, M2, M3। वैसे तो पांच कैटेगरी के होते हैं लेकिन मेन हमारे इंपॉर्टेंट तीन वाले हैं, M1, M2, M3। इसके बाद मस्क्रीनिक के बाद आती है निकोटीनिक। जो निकोटीनिक होते हैं उसमें NM और NN आ जाते हैं। अब ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ ऐसे कोलिनोमिमेटिक होगी जो डायरेक्टली एक्शन करेगी और कुछ इनडायरेक्टली एक्शन करेगी। तो डायरेक्ट होती है वो रिसेप्टर बचा के बाइंड करती है। तो जो डायरेक्ट के अंदर हम इसको तीन कैटेगरी में जाकर डिवाइड कर देते हैं। कुछ ऐसी होती है जो दोनों रिसेप्टर को स्टिमुलेट कराती है, मस्क्रीनिक को भी और निकोटीनिक को भी। तो हमको बोथ वाली कैटेगरी में लिख सकते हैं। कुछ ऐसी होती है जो सिर्फ मस्क्रीनिक पर जाकर बाइंड करती है और कुछ ऐसी होती है जो सिर्फ निकोटीनिक रिसेप्टर पर जाकर बाइंड करती है। ओके, आपको ये बता रहा था कि जो मस्क्रीनिक रिसेप्टर्स होते हैं वो पांच होते हैं लेकिन हमने मेनली तीन को पढ़ना है, ठीक है। ओके, तो M1, M2, M3। अब इनके सिग्नलिंग मैकेनिज्म पे पूछे जाते हैं। तो एक मिमोनिक होता है क्वीन इज क्वीन। तो क्वीन इज क्वीन का मतलब है M1 GQ है, M2 GI है और M3 वंस अगेन GQ आ गया है। तो मिमोनिक होता है क्वीन इज क्वीन, यानी क्यू फिर आई फिर एस आता है। बाकी M4 और M5 है, फिर इसको दोबारा से इस तरह से कर सकते हो, क्वीन इज क्वीन इज क्वीन, यानी जो फर्स्ट थ्री और फाइव ये जी क्यू होती है जबकि टू और फोर जी आई होता है। टू वाले हमेशा इनहिबिटरी होते हैं, एन एम और एन एन आइनोट्रॉपिक होते हैं, मेटाबोट्रॉपिक नहीं होती। डैट मीन्स कि वो सोडियम और क्लोराइड क्लोराइड तो होता नहीं है, पोटेशियम चैनल से कपल्ड होते हैं। कुछ ऐसी डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनोमिमेटिक होती है जो दोनों रिसेप्टर पर जाकर बाइंड करती है, फॉर एग्जाम्पल मस्क्रीनिक और निकोटीनिक। उसमें एग्जाम्पल आती है एसिटाइलकोलिन की और कार्बाकोल की। जो एसिटाइलकोलिन है प्रोटोटाइप होती है, प्रोटोटाइप किसी भी ड्रग्स के क्लास की रिप्रेजेंटेटिव होती है। लाइक हमारी क्लास का रिप्रेजेंटेटिव होता है CR और GR वगैरह, ठीक हो गया। तो एसिटाइलकोलिन प्रोटोटाइप होती है कोलिनोमिमेटिक का। ओके, मस्क्रीनिक के अंदर बिथेनाकोल, मेथाकोलिन, पाइलोकार्पिन, मस्क्रीन, लोबिलिन आ जाती है। जबकि निकोटीनिक पर बाइंड करने वाली, असल में इसको दो में डिवाइड करना चाहिए था, एक होता है NM और एक NN। जो NM होती है ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के पड़े पे होते हैं, ठीक हो गया, जबकि NN गैंग्लिया के पड़े पे होते हैं। जो सक्सिनाइलकोलिन होती है दोनों रिसेप्टर को एक्टिवेट कर देती है, चाहे वो NM हो चाहे वो NN हो। जो NM होती है वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ऊपर पड़े होती है जबकि NN ऑटोनॉमिक गैंग्लिया के ऊपर पड़े हुए होते हैं, ठीक हो गया। और कुछ इस तरह से भी क्लासिफिकेशन मिल बना सकते हैं हम कोलिनोमिमेटिक की डायरेक्ट एक्टिंग की, कि कुछ एस्टर्स होते हैं और कुछ एल्किलाइड होते हैं। एस्टर्स के अंदर एसिटाइलकोलिन आ जाता है, मेथाकोलिन आ जाएगा, ओके, कार्बाकोल और बिथेनाकोल, जिसके आखिर में OL या INE आ रहा है, तो वो क्या होगी, एस्टर्स होगी, ठीक हो गया। वैसे INE तो एल्किलाइड पे भी आएगा, जबकि एल्किलाइड के अंदर मस्क्रीन आता है, पाइलोकार्पिन आता है और निकोटीन आता है। तो ये दूसरी क्लासिफिकेशन है जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखी हुई। इसके अलावा कुछ न्यू कंपाउंड्स होते हैं लाइक न्यू निकोटिनॉइड्स है, क्लोथियंडिन है, इमिडाक्लोप्रिडिल है, पता नहीं क्या है। अब इसका है इमिडाक्लोप्रिड। जो इमिडाक्लोप्रिड न्यू निकोटिनॉइड या इंसेक्टिसाइड होते हैं, ये भी कोलिनोमिमेटिक होते हैं, ठीक हो गया। अब इनको इसलिए क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिसेप्टर, आपको मैं रिसेप्टर बता चुका हूँ, ठीक हो गया। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। ओके, तो जो इनडायरेक्ट होती है, इसके बाद बारी होती है इनडायरेक्ट की। जो इनडायरेक्ट होती है वो उसको इनडायरेक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि रिसेप्टर पर जाके बाइंड नहीं करती बल्कि एसिटाइलकोलिन एस्टर एंजाइम को ब्लॉक कर देती है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर फार्माकोकाइनेटिक हम इसको तीन कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग है। शॉर्ट एक्टिंग के अंदर एग्जाम्पल आती है एड्रोफोनियम की, इंटरमीडिएट के अंदर कार्बामेट की आती है और लॉन्ग एक्टिंग के अंदर ऑर्गेनोफॉस्फेट की आती है। ओके, तो एड्रोफोनियम सिर्फ अल्कोहल एक ही है जबकि इंटरमीडिएट कार्बामेट के अंदर फाइसोस्टिग्मीन होती है, जो सॉरी न्यूस्टिग्मीन है, प्रोटोटाइप होती है। जबकि ऑर्गेनोफॉस्फेट के अंदर पैराथियोन है जो इंसेक्टिसाइड है, ये प्रोटोटाइप होता है। ओके, ठीक हो गया। लेकिन जो थर्ड क्लास है यानी जो एड्रोफोनियम है या इसको फर्स्ट क्लास कह देते हैं, ये शॉर्ट ड्यूरेशन पे काम करती है, अल्कोहल होती है, ये एस्टर नहीं होती बल्कि, और जबकि ये वाली, ये दोनों क्या थे, ये वाला कार्बेमिक एसिड एस्टर है जबकि ऑर्गेनोफॉस्फेट क्या होती है, फॉस्फोरिक एसिड एस्टर होती है, लेकिन ये एस्टर नहीं होता बल्कि अल्कोहल है। अब अल्कोहल का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन रिलेटिवली शॉर्ट होता है, ठीक है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं इनडायरेक्ट से। जो इनडायरेक्ट होती है इसने बाइंड करना होता है एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस एंजाइम के ऊपर, ओके, ठीक हो गया। और जैसे ही बाइंड करती है कोलिन और फौरन इनकी हाइड्रोलिसिस हो जाती है। तो जब हाइड्रोलिसिस होती है तो इनका अल्कोहल पोर्शन है वो रिलीज हो जाता है। जो इनका एसिडिक पोर्शन होता है लाइक कार्बामेट्स का,
हाँ कार्बामेट आयन और फॉस्फेट, इसका और गया ना फॉस्फेट का फॉस्फेट आयन, ये आहिस्ता आहिस्ता रिलीज होता है, यानी पहले एंजाइम पे बाइंड करेगी, हाइड्रोलिसिस होगी, अल्कोहल पोर्शन निकल जाएगा, उसका कोई काम नहीं है, जो एसिडिक पोर्शन है वो रह जाएगा, और ये आगे क्या करेगा, ये एसिटाइल कोलिन की डिग्रेडेशन को मिनिमाइज कर देगा, यानी एसिटाइल कोलिन के एक्शन को एम्पलीफाई कर देगा। जो एड्रोफोनियम होती है ये सिर्फ 5 लेकर 15 मिनट तक काम करती होती है, ठीक है ओके, जबकि कार्बामेट हाइड्रोलिसिस के बाद 2 से लेकर 8 घंटे तक काम करती है। फाइनली जो ऑर्गेनोफॉस्फेट होती है ये डेज से लेकर वीक्स, यानी दिनों से लेकर हफ्तों तक इनका एक्शन होता है। जो रिकवरी होती है हमारी बॉडी इनसे टॉलरेट किस तरह से करती है, हमारी बॉडी न्यू एंजाइम बना लेती है। इनका इफेक्ट क्या होगा, ये एसिटाइल कोलिन के कंसेंट्रेशन को, हाफ लाइफ को और एक्शन तीनों को बढ़ा देते होते हैं, ठीक हो गया ओके ओके। लेकिन कुछ ऐसी जगह होती है, फॉर एग्जाम्पल लाइक हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम से इनर्वेट नहीं होते, तो जो पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम से इनर्वेट नहीं होते, जहाँ पे अनइनर्वेटेड रिसेप्टर होते हैं वहां पर जाके काम नहीं करते, लाइक एंडोथेलियल सेल हो गया, इन पर जाके बाइंड नहीं करते होते, ठीक है। तो मैं आपको इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी बता दिया है, इफेक्ट्स भी बता दिया है, अब हम और इनके थोड़े से क्लिनिकल यूजेस की तरफ आते हैं और इनके कुछ फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज वगैरह को डिस्कस कर लेते हैं। तो एसिटाइल कोलिन है, एसिटाइल कोलिन की क्या फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी होती है, एसिटाइल कोलिन ये प्रोटोटाइप होती है, कोलिन एस्ट्रेस बहुत जल्दी टूट जाएगी, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 5 लेकर 30 सेकेंड होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने हर एक की बतानी है वो है लिपिड सॉल्युबिलिटी, जिसकी लिपिड सॉल्युबिलिटी पुअर होगी यानी वो हाइड्रोफिलिक है, वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करती, यानी जो एसिटाइल कोलिन है ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करती, दोनों रिसेप्टर को एक्टिवेट करती है, मस्किलिन को भी, निकोटिन को भी, कार्बाकोल भी, दोनों को करती होती है, ठीक हो गया ओके। कार्बाकोल और बिथेनाकोल में सिमिलैरिटीज होती है, लाइक जो एसिटाइल कोलिन है वो एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेस एंजाइम से टूट जाएगा, लेकिन जो बिथेनाकोल और कार्बाकोल होती है ये एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेस एंजाइम से नहीं टूटती। इसके अलावा एसिटाइल कोलिन है, कार्बाकोल है, बिथेनाकोल है और मैथाकोलिन है, इन चारों में एक बात कॉमन है, चारों क्या होती है, एस्टर्स होती है, और चारों के चारों लिपिड सॉल्युबल नहीं होती, पुअर लिपिड सॉल्युबल होती है। इसके बाद पाइलोकार्पिन है, ये एस्टर्स नहीं होती, पाइलोकार्पिन और निकोटीन एस्टर नहीं होती, ठीक है, मस्किलिन भी एस्टर नहीं होती, एल्केलॉइड्स होती है। तो ये इनकी जो पाइलोकार्पिन है इसकी लिपिड सॉल्युबिलिटी रिलेटिवली गुड होती है, तो इसको नोट कर लेना, इसकी लिपिड सॉल्युबिलिटी गुड होती है पाइलोकार्पिन के अलावा, निकोटीन इसकी लिपिड सॉल्युबिलिटी भी काफी ज्यादा अच्छी होती है। इसके अलावा यहाँ पे वेरिनिसिलिन है, वेरिनिसिलिन पार्शियल एगोनिस्ट के तौर पर काम आती है, इसकी लिपिड सॉल्युबिलिटी भी काफी ज्यादा हाई होती है। जो न्यू निकोटोनाइड्स होते हैं कहते हैं कि इनको यूज करने की वजह से 20 के कॉलोनी कोलैप्स हो जाती है, ठीक हो गया। तो हमने इनकी फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी को डिस्कस कर लिया। एड्रोफोनियम की क्या होती है, अल्कोहल है, क्वार्टरनरी अमाइन होते हैं, जो क्वार्टरनरी अमाइन है वो लिपिड सॉल्युबल नहीं होते, ओरली एक्टिव नहीं होती, 5 लेकर 15 मिनट तक इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है। जो नियोस्टिक्पिन है प्रोटोटाइप होती है, क्वार्टरनरी अमाइन है, क्वार्टरनरी अमाइन है, दैट मीन्स के लिपिड सॉल्युबिलिटी कम होगी। अगर आप एड्रोफोनियम का और नियोस्टिक्पिन का डिफरेंस ढूंढो तो जो एड्रोफोनियम है ओरली एक्टिव नहीं होती, लेकिन ये ओरली एक्टिव होती है ओके। इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 5 लेकर 15 मिनट है और इसका 30 मिनट से लेकर 2 घंटे तक होता है। और अगर आप नियोस्टिक्पिन और फाइसोस्टिग्मिन को कंपेयर करो, दोनों कार्बामेट है, लेकिन ये क्वार्टरनरी अमाइन था, फाइसोस्टिग्मिन टर्शियरी अमाइन है, टर्शियरी अमाइन है तो लिपिड सॉल्युबिलिटी गुड होती है, ओरली एक्टिव होती है, लेकिन बाकी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन सेम है। चूंकि ये इसके ये टर्शियरी माइन होती है तो ये सीएनएस में चली जाएगी और सीएनएस के ऊपर साइड इफेक्ट कराना शुरू कर देगी, और फाइसोस्टिग्मिन को जो एट्रोपिन के लिए एंटीडॉट वगैरह यूज किया जाता होता है। और गैना फास्फेट की तरफ आती है पैराथियोन, मेलाथियोन है, जो पैराथियोन है इनकी लिपिड सॉल्युबिलिटी हाई होती है, ठीक है, जबकि सारिन की लिपिड सॉल्युबिलिटी वेरी हाई होती है, नर्व गैसेस के तौर पर इस्तेमाल होती है, ठीक है। अब हम इनके थोड़ा सा डायरेक्ट यानी डायरेक्ट एक्टिंग के इफेक्ट्स को देख लेते हैं। तो पहले ऑर्गन और टिश्यू इफेक्ट क्या होगी, ब्लड वेसल्स के ऊपर चूंकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ने डोमिनेट कर रही है, और आपको पता है कि ऑटोनॉमिक गैंग्लिया पे ओपन एन एन लगे होते हैं, तो निकोटिनिक रिसेप्टर के एक्टिवेशन की वजह से वेजो कंस्ट्रक्शन हो गई, क्योंकि ब्लड वेसल को डोमिनेट सिंपैथेटिक करते हैं, और ऑटोनॉमिक गैंग्लिया तो दोनों के अंदर सेम होता है, सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक के अंदर, गट के अंदर पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की टोन डोमिनेट करती है, निकोटिनिक एक्टिवेशन होगी तो जीआईटी की मोटिलिटी और सिक्रेशन बढ़ जाएगी। मस्कुलेचर के ऊपर जब निकोटिनिक रिसेप्टर वो भी एन एम वाले जब एक्टिवेट हो गए तो इनिशियली तो स्पैज्म ऑफ फैसिकुलेशन होगी, लेकिन प्रोलॉन्ग एक्टिवेशन की वजह से पैरालिसिस हो सकती है, और ये पैरालिसिस इंसेक्टिसाइड की वजह से हो सकती है, ऐसे इंसेक्टिसाइड जिनके मॉलिक्यूल के अंदर निकोटीन है या उनके अंदर फास्फेट होता है। क्लिनिकल यूजेस है, क्लिनिकल यूजेस के ऊपर हमने एक अलग से फ्लो चार्ट बनाया हुआ है, हम उसको वहां पे देख लेंगे, ठीक है। टॉक्सिसिटी की तरफ आ जाती है, तो टॉक्सिसिटी कुछ मस्किलिनिक रिसेप्टर के एक्टिवेशन की वजह से होती है, कुछ निकोटिनिक की वजह से होती है। जो मस्किलिनिक की वजह से उसमें सीएनएस के स्टिमुलेशन है, मियोसिस है, साइक्लोस्पैज्म है, यानी सीएनएस के ऊपर सीएनएस स्टिमुलेशन होगी, ओके ठीक हो गया। और हम कह सकते हैं कि आगे
आइस के ऊपर ब्रोंकोस्पैज़म है, ब्रोंकोस्पैज़म आइस के ऊपर नहीं, मियोसिस है और साइक्लोस्पैज़म होता है। ओके, हार्ट के ऊपर आपको पता है कि नेगेटिव क्रोनोट्रॉपी करवा देगा, और इसके अलावा नेगेटिव इनोट्रॉपी या इरेट्रिया के ऊपर जाके बाइंड करता होता है। वेंट्रिकल के ऊपर नेगेटिव ट्रोमाट्रॉपी करता है, वेंट्रिकल्स के ऊपर ना होने के बराबर इफेक्ट होता है। ब्लड वेसल के ऊपर एंडोथेलियल डिराइव्ड रिलैक्सिंग फैक्टर NO को रिलीज करवा देगा, ठीक है। ओके, ब्लेडर की और GIT के स्मूथ मसल का स्पैजम करवा देगा, स्फिंक्टर को रिलैक्स करवा देता है, स्केलेटल मसल की कॉन्ट्रैक्शन होती है, ग्लैंड्स की सेक्रेशन को बढ़ा देगा। तो ये तो मस्कुलिनिक से रिलेटेड थे। निकोटिनिक को देख लेते हैं। निकोटिनिक वाले जो गैंग्लिया के ऊपर पड़े हुए होते हैं NN, वो गैंग्लिया को इनिशियली तो स्टिमुलेट करते हैं लेकिन बाद में ब्लॉक करना शुरू कर देते हैं। CNS के ऊपर शुरू में स्टिमुलेशन होती है फिर बाद में डिप्रेशन होती है। ये आपने पढ़ा होगा टोबैको के अंदर और निकोटीन के अंदर, जब आप पढ़ोगे ना टॉक्सिकोलॉजी तो वहां पर चीजें लिखी हुई है, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस आ सकता है कि कोलिनोमिमेटिक ड्रग और पैरासिम्पेथेटिक नर्व स्टिमुलेशन में क्या फर्क होता है। तो आपको पहले बता चुका हूं कि कुछ ऐसे रिसेप्टर्स होती हैं जो अनइनर्वेटेड होते हैं, ब्लड वेसल की एंडोथीलियम के ऊपर पड़े हुए होते हैं। अनइनर्वेटेड का मतलब है कि पैरासिम्पेथेटिक नर्व उनको सप्लाई नहीं करती, जब सप्लाई नहीं करती रिसेप्टर तो मौजूद है लेकिन पैरासिम्पेथेटिक नर्व के स्टिमुलेशन की वजह से उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा। और असल में वो क्या करते थे, वो NO को रिलीज करवाते थे जो एंडोथेलियल डिराइव्ड रिलैक्सिंग फैक्टर है। जो NO है वो वैसोडायलेशन करेगा, वैसोडायलेशन होगी तो रिफ्लेक्स टकीकार्डिया चलेगा, लेकिन डायरेक्टली पैरासिम्पेथेटिक स्टिमुलेशन की वजह से वैसोडायलेशन नहीं होती और यहाँ पे ब्रैडीकार्डिया हो जाता है पैरासिम्पेथेटिक की वजह से। और इसके अलावा यह भी फर्क होता है कि जो स्वेट ग्लैंड होते हैं वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होते हैं, हालांकि मेन न्यूरोट्रांसमीटर वहां पे एसिटाइलकोलाइन है और रिसेप्टर भी मस्कुलिनिक होती है। दैट मींस अगर पैरासिम्पैथेटिक नर्व की स्टिमुलेशन होती है तो थर्मोरेगुलेटरी स्वेट ग्लैंड की एक्टिवेशन नहीं होगी, लेकिन अगर कोलिनोमिमेटिक दोगे तो सिनर्जिस्टिक सॉरी सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। ओके, ठीक हो गया। अब हम इनके क्लिनिकल यूजेस की तरफ आ जाते हैं। तो क्लिनिकल यूजेस के अंदर माइस्थीनिया को ट्रीट करने के लिए नियोस्टिग्मिन है, पायरेटोस्टिग्मिन और एम्बिनोनियम होती है। माइस्थीनिया की डायग्नोसिस के अंदर एड्रोफोनियम है। माइस्थीनिया क्राइसिस को डिफ्रेंशिएट करना है कोलिनर्जिक क्राइसिस से, तब आपने एड्रोफोनियम यूज करना है। एंटीडोट ऑफ एयरट्रोपिन पॉइजनिंग तो फाइजोस्टिग्मिन होती है। ब्लैडर और बोविल, बोविल के ऊपर M1 और ब्लैडर के ऊपर M3, ठीक है। ओके, उनके लिए बिथेनोकोल आती है। स्मोकिंग सिजेशन के अंदर वरानिसिलिन आती है। शोग्रेन सिंड्रोम को ट्रीट करने के लिए पाइलोकार्पिन है। मसल रिलैक्सेशन के लिए सक्सिनाइलकोलीन है। इंसेक्टिसाइड में पैराथियोन है। इंसेक्टिसाइड प्लस कैबिसाइड है तो वह मेलाथियोन होती है। वार गैसेस प्लस टेररिस्ट अटैक होता है तो वह सैरिन है। नर्व गैसेस वगैरह कह सकते हैं। ग्लूकोमा को ट्रीट करने के लिए पाइलोकार्पिन और फाइसोस्टिग्मिन होती है। जो मशरूम न्यूट्रिशन है, मशरूम के अंदर मस्क्रीन होता है। अल्जाइमर डिजीज को ट्रीट करने के लिए रिवेस्टिग्मिन होता है। गैलेंटामिन है, डोनपेजिल है और टेक्राइन होता है, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताना भूल गया कि जो मशरूम की पॉइजनिंग होती है तो वो दो टाइप की मशरूम की पॉइजनिंग हो सकती है। एक है इनोसाइप अमैनिटा की और एक है अमैनिटा फिलॉइड्स की। जो इनोसाइप अमैनिटा मस्किलिया की पॉइजनिंग होती है वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है, लेकिन अमैनिटा फिलॉइड्स की टॉक्सिसिटी काफी ज्यादा लीथल होती है। हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इस टाइप के मशरूम के अंदर मस्किलिन होता है जो कि कोलिनोमिमेटिक है। वो नोजिया वॉमिटिंग डायरिया करवा देगा, लेकिन अमैनिटा फिलॉइड्स के अंदर कोई कोलिनोमिमेटिक नहीं होता, बल्कि वहां पर RNA पॉलीमरेज इनहिबिटर होते हैं लाइक अमैनिटिन है, फिलाइडिन है, जो इनिशियली वॉमिटिंग और डायरिया करवाते हैं लेकिन इसके बाद हेपेटिक और रीनल नेक्रोसिस वगैरह करवा देते हैं। तो हमने सारा ऑलमोस्ट डिस्कस कर लिया है। ओके, ठीक हो गया। अब थोड़ी सी टॉक्सिसिटी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आपको पता है कि जो ऑर्गेनोफॉस्फेट की टॉक्सिसिटी होती है उसको रिवर्स करने के लिए पैरालिडॉक्सिन देते हैं और वैलिडॉक्सिन देते होते हैं, एयरट्रोपिन भी देते होते हैं, रेस्पिरेटरी सपोर्ट को मेंटेन करते होते हैं। लेकिन अगर एजिंग हो जाती है, यानी अगर एजिंग के अंदर जो एंजाइम फॉस्फेट बॉन्डिंग है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है, तब एजिंग के बाद कोई इफेक्ट नहीं होगा इनके एंटीडॉट का, ठीक हो गया। और इनका जो निमोनिक होता है वो निमोनिक क्या होता है, डम्बल्स, डी से डायरिया, आर से यूज है यूरिनेशन, एम से मियोसिस, एंड इसके बाद बी आता है, बी से ब्रोंको कॉन्स्ट्रक्शन है, बी से ब्रैडीकार्डिया है, ई से एक्साइटेशन होती है स्केलेटल मसल की और नर्वस सिस्टम की, आगे एल से लैक्रिमेशन है, एस से स्लाइवेशन और एस से स्वेटिंग होती है। ओके, ठीक हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।